गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली व्लॉगर पूजा। मैं हूँ पूजा। आज है फ्राइडे और डेट है 28। फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, सैटरडे उसके बाद संडे आता है। हाँ, और संडे इज अ हॉलीडे। तो हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने। मम्मा जी, और जो भंडारा वो जहाँ पे मैंने, जहाँ तक मैं फिफ्थ तक पढ़ी हूँ स्कूल के पास है, तो मैं आपको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी। तो ये रहे मम्मी, मम्मी भी आगे रेडी होके। हाँ, पहले मुझे स्कूल दिखाना, फिर चांटू की चिज्जी लेना ना मेरे लिए, ठीक है? फिर भंडारा खाने जाएंगे, ठीक है? तो फिर जब चिज्जी ले लोगे तो फिर भंडारे में क्या खाओगे है? अरे चलो, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, घर में खा लूंगा मैं। मम्मी हाय कर दे। मम्मा चिज्जी तो मैं यहाँ खा लूंगा। अच्छा चलो ठीक है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मारने का हीरो। अच्छा चल फिर, खेत में नहीं जाना। अरे सुनो, गाड़ी आ रही है। कहाँ आ रही है? झूठ मत बोला करो। पीछे से आ रही है। अरे नहीं आ रही भाई, चलो अभी आएगी, देखते हैं। तब हम हट जाएंगे, तभी हम उठेंगे। लगता है आओ की आवाज है। तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये है नहीं, ये था मेरा स्कूल जहाँ पे मैंने फिफ्थ तक अपनी स्कूलिंग करी है। उस टाइम पे तो बहुत छोटा सा था, अब तो काफ़ी सारे जो है क्लासेस बन गए हैं यहाँ पे। लेकिन अब तो ये आई थिंक 10th तक हो गया या 8th तक, कुछ ऐसे। उस टाइम पे फिफ्थ तक ही होता था। तो ये रही धाम में, इस तरह से हम लोगों के यहाँ पे नीचे बैठ के खाते हैं धाम। तो ये जो सामने बहुत सारे मकान नज़र आ रहे हैं, ये है मेरा मायके का जो गांव है वो। तो गांव में आई थिंक 20 या 21 कुछ इस तरह से मकान होंगे। और ये गांव के बच्चों के साथ आदित खूब मज़े कर रहा है। गांव के चाचा वगैरह के बच्चे थे तो उनके साथ खेलते खेलते ये वहां से भंडारा खाते हुए वापस, जब हम आ रहे थे तो खेलते खेलते घर पहुँच गया था वापस। खूब मज़े हो रहे हैं इसके, इन बच्चों के साथ। बेटू ये रही बॉटल और ये रहा गिलास, पानी भी पी लेना, पैग भी बना लेना, ठीक है? ये बोतल, ये गिलास है। हाँ, ये गुब्बारे। ये गुब्बारा, ये गुब्बारा। मैं नहीं हूँ, ये गुब्बारा, ये तू तो गुब्बारा है। गुब्बारा गुब्बारा। आप अपना देखो, आप अपना फोन देखो, इसको खेलने दो। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, आ जाओ माछी के पास, आ जाओ माछी के पास, जल्दी दौड़ के आ जाओ, जल्दी दौड़ के आ जाओ माछी के पास, आ जाओ माछी के पास, आ जाओ, आ जाओ, भागो 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 भागो। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि घर जो है, घर पे काफ़ी ज़्यादा नीचे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हम लोगों का जो घर है वो एकदम सड़क के साथ ही है। और दिक्कत ये है कि जो घर है उसके साथ ही एकदम से खेत है, तो धूल मिट्टी जो है उड़ के अंदर आती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे क्लीनिंग। वैसे तो इस रूम में कोई सोता नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो क्लीनिंग कर रहे हैं मैं और मेरी सिस्टर। मैं झाड़ू लगा रही थी और वो साथ ही साथ जो है पोछा लगा रही थी, पोछा लगाती जा रही थी। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो गेहूँ वगैरह सब कुछ रखते रहते हैं, तो मम्मी बस यहीं पे सब कुछ इकट्ठा करती रहती है, तो वो बिखरा ही रहता है हमेशा। ये घर कभी भी अच्छे से सेट नहीं हो पाता है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे मायके की तरफ यहाँ पे जो है गर्मी कम होती है, तो हम लोग जो है सीलिंग फ़ैन नहीं लगाते हैं, टेबल फ़ैन रखते हैं। अगर कभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े, गर्मी लगती है, तो फिर ये लगा लेते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ैन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह खोल दो तो अच्छे से हवा आती रहती है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे घर काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है झाड़ू पोछा लगाने में, तो इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था कि चलो मैं झाड़ू लगाती हूँ, वो पोछा लगाएगी। तो ऐसे करते करते अच्छे से निपट गया था हम लोगों का काम, ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है कि आधा घंटा तो लगा ही होगा ये सब कुछ करते करते, क्योंकि बीच बीच में कुछ और काम भी आ ही रहे थे, बट फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने निपटा ही दिया था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में, किचन क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अभी झाड़ू, और जो किचन में ये जो कच्चा वाला है, जो ब्राउन से कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले में जो है वो दूसरे झाड़ू से करते हैं, जो छोटा सा झाड़ू मैंने उठाया था उससे करते हैं। तो ये शाम को 3:30 बजे करीब मैं और मम्मी जा रहे थे घास लेने के लिए, घास इन दी सेंस कि हम लोग हरे पत्ते लेने जा रहे थे। मम्मी के पास गाय हैं चार हैं। तो रास्ते में पड़ती है एक बावड़ी, जो गांव में पहले पानी जो होता है वहाँ यहीं से लेके आते थे। तो यहाँ पे ये बने हैं, दो बाथरूम लोगों ने बना रखे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब गांव में डेथ वगैरह कुछ होती है तो नहाने के लिए जो है यहाँ पे आते हैं, तो आई थिंक 10th डे पे या 11th डे पे ऐसे कुछ होता है, तो इसलिए ये बाथरूम यहाँ पे बना रखे हैं। और ये बावड़िए पहले यहाँ से पानी लेके जाते थे गाय भैंस को पीने के लिए, पहले सिर पे ही उठा के लेके जाते थे पानी, बट अब जो है घर पे पानी भी आ जाता है और हैंडपम्प भी लग गए हैं, तो उस वजह से जो है अब लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते हैं, या तो जिनके पास गाय बैल होती है वो गाय बैल को यहाँ पे ले आते हैं। और ये था वो नाला, इसका पत्ता निकल के नीचे गिर गया था, तो इसमें से बिल्कुल इतना मीठा मीठा पानी आता है, एकदम ठंडा पानी आता है। और इसकी खासियत ये थी कि सर्दियों में इसमें थोड़ा गर्म सा पानी आता था, बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं, मतलब हल्का सा गर्म इसमें आता था, और गर्मियों में एकदम ठंडा पानी आता था। तो हम जो है यहाँ से पहले बचपन में जब भी घर पे हैंडपम्प वगैरह नहीं लगे थे या पानी नहीं आता था टैप में, तो यहीं से लेके जाते थे पानी, तो इस तरह से ये पत्ता लगा होता था, तो नीचे जो है अपना बर्तन रख के उसमें पानी भर जाता था। तो मैक्सिमम जो है गांव में ये चीज़ें होती हैं, तो ये पत्ता इस पर टिक नहीं रहा था, मैंने कोशिश तो करी थी टिकाने की, वो टिक नहीं रहा था। तो इस तरह से है ये देखो पानी का, तो नीचे यहाँ पे बर्तन रखते थे और ये पानी भरता जाता था, और ये जो पानी यहाँ से बह के जा रहा है वो नीचे जो छोटा सा तालाब बना है इसमें इकट्ठा होता रहता था, और जो भी गाय भैंस को लेके आते थे वो नीचे उससे पानी पिला लेते थे, तो दोनों काम जो है वो एक साथ हो जाते थे। और ये रहे नीचे लोगों के खेत, और ये बहुत सारे बांस यहाँ पे लगे हुए हैं, बांस के पेड़। तो काफ़ी दूर था जहाँ से हम लोग लेने जा रहे थे हरे पत्ते मम्मी की गाय के लिए, तो ऐसे ऐसे ये बीच में एक नाला सा था, बरसात में इसमें पानी होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होता बट हाँ होता ही है पानी, लेकिन अभी बरसात शुरू नहीं हुई है तो ऐसे ही यहाँ पे सूखा है। तो हम लोग जा रहे थे मैं और मम्मी यहाँ से हरे पत्ते लेने के लिए, तो यहाँ से भी अभी काफ़ी आगे जाना है और इससे पीछे भी हम काफ़ी चल के आए हैं। तो ऐसे ही है गांव में, जहाँ से हम पत्ते लेते हैं जा रहे हैं वहाँ पे मतलब हम लोगों के ही है वो खेत, तो वहीं से हम लेने जा रहे हैं। तो ये आगे आगे मम्मी चल रहे हैं, पीछे पीछे मैं आ रही हूँ मम्मी के। और ये है, ये था हम लोगों के बचपन का इलाज पानी, जब हम लोग नहीं मानते थे तो हम लोगों की पिटाई होती थी इससे। ये है बिच्छू बूटी, जो हिमाचली है उनको तो पता ही होगा बिच्छू बुट्टी, और जो 90s के बच्चे हैं उन्होंने खूब मार खाई भी होगी इससे, बहुत बुरी तरह से लगती थी यार ये, इससे बहुत फोड़े निकल जाते थे।
तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये खेत हम लोगों के ही हैं, यहाँ पे ये पेड़ पौधे जो भी हैं ये हम लोगों के ही हैं। तो मम्मी ढूंढ रहे हैं, मम्मी बोल रहे थे, मैं पहले ही सोच के आई थी कि मैं कौन से वाले पेड़ पर चढ़ूँगी। तो अभी ये जो सामने आपको थोड़े से मकान से थोड़ा दिखाई दिया, यहाँ पे था गाँव और इधर देखिए सामने हम लोग आए थे। तो ये हम लोग अब जा रहे हैं वहाँ से जहाँ पे मम्मी ने पेड़ सेलेक्ट करके रखा था काटने के लिए। रास्ता एकदम वो भी नहीं है, बहुत अच्छे से बना हुआ, बट फिर भी बहुत सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, यहीं से निकल के जाते हैं तो फिर ऐसे ही है। और यहाँ पे कितने रास्ते बना लोगे कहाँ तक, ये भी तो बात है ना। तो ये मम्मी अब उतर गए हैं खेत में, और जो पेड़ मम्मी ने देखा वो भी एकदम नाले के साथ ही है। तो यहाँ पे भी बरसात में खूब पानी होता है इस नाले में, बट अभी नहीं है। और हिमाचल के मैक्सिमम गांव एक जैसे लगते हैं मुझे तो, कई कई जगह सेम ही लगती है कि हाँ हर जगह ही ऐसे होता है, बट पता नहीं। और बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों ने कहा था कि क्या लाइफ कितनी इतनी भी क्या टफ होती है, तो अगर एक हिमाचली होकर आप ऐसे बोल रहे हो तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़ी बहुत तो होती है यार, थोड़ी डिफ़िकल्टीज तो होती ही हैं। तो ये रहे मम्मी, हम मम्मी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से चढ़ना मैं शुरू करूं। बट मेरी जो मम्मी है ये फेमस है पूरे गांव में पेड़ पे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ने के लिए। बट अब इन्होंने इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, छोड़ दिया, नहीं तो अदरवाइज़ जो और लोग होते थे वो भी मम्मी को बुलाते थे कि हमारा वो वाला पेड़ है उसकी घास निकाल दो, उसके पत्ते निकाल दो। बट मम्मी अब ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, बट अपने लिए तो निकाल ही लेते हैं। और अब आप लोग बोलोगे कि मम्मी से करवा रहे खुद नहीं कर रही है, तो सॉरी मुझे नहीं आता पेड़ पे चढ़ के करना, मतलब आता है पर इतने इस तरह के पेड़ पे नहीं चढ़ना आता। इस पे तो पकड़ने के लिए इतने ज़्यादा बने भी नहीं थे, तो मुझे नहीं आता ऐसे करना, पर मम्मी कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ऊपर से काटते जाएंगे, ये पौधे नीचे इकट्ठे होते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और इनको नीचे ही खड़े होकर हम लोग इकट्ठे करेंगे और रस्सी लेके आते हैं हम लोग, फिर रस्सी में बांधते हैं, फिर सिर पे उठा के इसको घर पहुंचा देते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरह से कर रहे हैं, ये तो ईजी तो नहीं होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये जिसके होती है वही कर पाता है, अदरवाइज़ बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बट जो है वो है। हाय, तो अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा था कि अपने ब्लॉग में मेरा नाम लेना, तो उनका नाम है दिया। तो हाय दिया, तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।